हाँ जी ये बताइए कि 25 जून को बीजेपी की लोकसभा की रैली है, 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैली करनी है बीजेपी ने, और फरीदाबाद की लोकसभा क्षेत्र के अंदर गतपुरी में 25 जून की रैली है। अच्छा। बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रैली अपनी ऐतिहासिक रहेगी, कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था 25 जून को ही, तो उसको काला दिवस के रूप में मनाएंगे, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, बीजेपी की सरकार हरियाणा में और केंद्र में है, वो हर कोशिश करेगी, और जो पार्टी करती हैं तो बीजेपी भी अपना काम कर रही है, और क्या कह रहे हैं वो, क्या कर उसको इमरजेंसी की बात करेंगे, कांग्रेस के खिलाफ जो भी बात करेंगे वो करनी है। लेकिन आने वाले वक्त में ये रैली राली जो है चलेंगी, कितनी चलेंगी, पर आज ये चुनाव पता चल जाएगा बीजेपी को, विशेषकर फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए, कि चुनाव के हालात और पब्लिक का मूड क्या है अच्छी तरह पता चल जाएगा, चल चुका है। चौधरी कृष्ण पाल जी जो राज्य मंत्री से केंद्र में हैं, उन्होंने एक बात कही थी, किसी ने पूछा भी करण दलाल इस बार लोकसभा का चुनाव फरीदाबाद से लड़ेंगे, उनका जवाब था कि मैं 1 लाख और फालतू वोटों जीतूंगा, तो मैं कृष्ण पाल जी से मैं स्पेशल वो करूँगा कि 1 लाख से बढ़ो 7 लाख पे पहुँच गई बात, पहले 6 पे जीते, पर चुनाव के बाद फिर मुलाकात करेंगे कि कितने तक को जीत रहा है हार ना है। अगला जो चुनाव है, जितनी बात करते हैं कृष्ण पाल जी, पब्लिक का मन है इतनी वोटों से हराने का, मेरा नहीं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन लोगों का मन है, जगह जगह हम बात करते हैं, कर्बन बॉर्डर से लेके मेवा से लेके लोगों हर कौम से लेकर, तो बीजेपी और विशेषकर फरीदाबाद से कृष्ण पाल जी से लोग बहुत ज़्यादा नाराजगी गुजरों में भी है, हर कौम में है, तो मैं नहीं समझता इसका रिजल्ट कैसे होंगे, वो कृष्ण पाल जी को जब ही पता चलेगा तो लोकसभा का चुनाव। आप लोग बार बार दावा करते हैं कि करण सिंह दलाल होंगे तो हरा देंगे, 7 लाख से जीत जाएंगे, हाँ, लेकिन क्या आप लोग तो नियमित बन रहे हैं, खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हैं कि हम कृष्ण पाल गुंजर को हरा देंगे, उन्होंने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया है, पहले कम लाख से वोटों से जीते, फिर 6 लाख वोटों से जीते, अब उनका खास तौर से ये कहना है कि 7 लाख वोटों से जीतेंगे, कैंडिडेट कोई भी हो। बात सुनो, ठीक कहते हैं वो अपने हिसाब से और हम अपने हिसाब से कहते हैं, हम कह रहे हैं कि उनका ये हिसाब है कि उल्टा ये हिसाब गणित बैठेगा उनका, चुनाव आने दो, अब वो यही कहेंगे मैं तो करण दलाल कितने सारा लोगों ने करण, ये जो चुनाव है फरीदाबाद का आ रहे पूरे हरियाणा की निगाह रहेगी इस पर, और करण दलाल के जो पासे हैं ना, काने 3 पड़ेंगे, 12 नहीं, लोगों के मन सोच वोटदाता का मन है, बहुत बहकाया लोगों को, बहुत झूठ बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए राजनीति में। करण सिंह दलाल जो चुनाव हारे थे, आप कह रहे हो कि जीतेंगे, खुद तो चुनाव हार गए थे, पिछला हार गए थे विधानसभा में, करण सिंह खिलाफ सारी पार्टी सारे लगवे वकबे जितने हो रहे सब इकट्ठे हो गए करण दलाल को हराने के लिए, आप जो कुछ नहीं कर सकते थे वो इसी काम पर लग गए, करण को हराओ, और इससे फालतू किसी के बस की नहीं थी बात, और करण दलाल कांग्रेस नहीं हारी उस वक्त भी, करण दलाल को हरा लोगों ने, अब वही लोग जो है मन बना के बैठे कब मोहर उनके हाथ में आएगी, कब बटन दबाएंगे, और उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जो आप कह रहे हो जीत नहीं सकते थे करण सिंह दलाल के सामने, वो करण दलाल के खिलाफ एक हो गए थे, सारे एक हो गए, अब भी तो एक होंगे ना, कोई बात नहीं, वो नहीं होंगे वे, अब वो लोकसभा में सीधा करण सपोर्ट करेंगे, क्या वजह है पता ना, क्या वजह है लोगों से बताएंगे, वजह ये कि झूठ बहुत बोला है, मेरा गांव चिरावटा है, ब्राह्मणों का गांव है और 1400 वोट का गांव है, जिसमें से 7,500 वोट कृष्णपाल गुर्जर को मिली ब्राह्मणों के गांव में,
इतनी बहरोला ना मिली। ये गुजरों का गांव है बहरोला, फागड़ा फागड़ा गोत के गुजर है, वहाँ दिया 1.5 करोड़ रुपया ग्रांट, मेरे गांव में 1.5 आधा नहीं दिया कर। क्यों आपके जो गांव है वहाँ के अब कद्दावर नेता बीजेपी गौरव गौतम, बीजेपी बहुत चलती है उनकी, वो तो दिला सकते थे ग्रांट। वो संगठन में है, सरकार में नहीं है, वो संगठन में है सरकार में थोड़े, गौरव गौतम अच्छा वो संगठन का है सरकार का थोड़े है। सरकार में तो मंत्री ये है केसरपाल, इसने ये नापली जाएगा पैमाना कि चरावटा में 850-900 वोट और बहरोला में कितनी, उस हिसाब देकर वहाँ 1.5 करोड़ रुपया दिया सर ग्रांट, और चरावटे में 1.5 लाख भी नहीं। जब अपने गांव में ही 1.5 लाख रुपए भी नहीं दिला सकते गौरव गौतम, तो वो तो दावा करते हैं विधानसभा चुनाव लड़ने का और जीतने का भी। देखो वो उसका उसकी अपनी बात है, वो दावा किया नहीं किया, क्यों करेगा जब वो वहाँ MLA बैठा है बीजेपी का और MP बैठा है उनका बनता है, वो गौरव का क्या बनता था इसमें। गौरव संगठन में काम कर रहा, बीजेपी का काम करता है वो। गौरव ने नाम किया है चरावटा गाँव का, गौरव ने यही नाम किया है, गौरव ने बीजेपी में संगठन में खूब इज्जत बनाई अपनी। टिकट उसको मिलनी चाहिए बीजेपी की क्या? देखो ये उनका बीजेपी के संगठन की बात है, किसको टिकट देंगे उनके हाथ की बात है। अब बीजेपी वाले, अब पिछली बार भी गौरव थोड़ी सी कसर रह गई थी, वैसे कोई बात नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं, टिकट थोड़ी सी पीछे रह गया गौरव पिछली बार का कसर छोड़ी वाले, तो ऐसी कोई बात नहीं, संगठन की बात है किसको देते हैं। ऐसा सुना है कि गौरव गौतम जो है अधिकारियों से इस तरीके से पेश आता है जैसे आपके नेता करण सिंह दलाल पेश आते हैं ना। हाँ, उसकी दबंग छवि है उनकी, उसके जो है लहजा है वो है तो ऐसा ही ठीक आता है वैसे। अब उसका क्या है, लोग कैसे पसंद करते ये आप भी जानते हो, लहजे को किस शैली को पसंद करते नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि भले ही काम ना हो लेकिन करने सामने वाला आ, दिल भर जाता है, दिल भर जाता वो आ, जो जाता है सामने वाला तसल्ली हो जाती है, खूब ठोक के कहिए। अच्छा ये बताइए कि करण सिंह दलाल पलवल से बाहर कोई पहचाना हुआ चेहरा है भी सही कि नहीं है, क्योंकि लोग इनको जानते भी नहीं है फरीदाबाद में, किशनपाल गुर्जर का बच्चा बच्चा किशनपाल गुर्जर को जानता है। अच्छा करण दलाल को ऐसे देखते हैं लोग जैसे विधानसभा में सुभाष गुर्जर को देखते थे कि इसने हराया करण दलाल, देखते थे वह ये मूंछों वाला चौधरी इसने हराया करण दलाल, इसी तरह करण दलाल को देखेंगे इसने हराया केसरपाल, 7 लाख वोटों वाला जीतने वाला ये करण दलाल है। किशनपाल की गुजर की अगर आप बात कर रहे हैं, हार के कारण क्या कर रहे हैं? हार के कारण लोगों की नाराजगी और क्या होगा कारण, एक जैसे मेरे से तो कुछ जब दिया नहीं मेरे से लेता भी क्या, पर लोग बता रहे हैं भाई बहुत ज्यादातर हिसाब से लूट वूट बचाइए लोगों जैसे पतोना सारे व्यापार उसके हाथ में, सारे बिल्डर उसके हाथ में, बताते हैं मुझे तो पता नहीं सारी बात में मैं क्यों जाऊँ, पर लोग दुखी है उससे, नाराज है यहाँ तक मैं जो देखा। आप लूट की बात करते हैं किशनपाल गुर्जर ने लूट मचा रखी, कौन सी ऐसी लूट है वो लोग, वो तो हर उनके तो हर विधानसभा क्षेत्र में अपने हजारों समर्थक हैं और काम भी कर रहे हैं लोगों के, गांवों में भी जा रहे हैं, आज भी पलवल में कई जगह थे। इतना फर्क होता है बटारी साहब, मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं मुकुट लाल और कब से कांग्रेस में हूँ, इंदिरा गांधी को जब गिरफ्तार किया जब भी जेल में गई उस कांग्रेस के साथ, और मैं जैसा तुमने देखा हूँ आज भी ऐसा हूँ। किशनपाल के जो साथ हैं उनके वर्कर रिश्तेदार वो क्या थे अब क्या हैं, ये सीधा नज़रिया लोगों का कहाँ से आया, स्कूल प्राइवेट स्कूल फलाना और ये जितने बिल्डर हैं फ्लैट व्लैट बनाना, वो एजेंट छोड़ते रहना वहाँ ठेके पर लो उससे लो, और जितने भी वो है फरीदाबाद में काम सब में से कुछ ना कुछ इनका हिस्सा होता है, ऐसी चर्चा फैजाबाद में रहती है। देखो हमने तो जो बात है इतनी बताई, बाकी वक्त बताएगा, बस मेरा जो मेरे अपनी बात कही है, लोगों के मुसलमान मिलते हैं मुझे, जाट मिलते हैं मुझे, गुजर भी मिलते हैं, ब्राह्मण भी मिलते हैं, जो ब्राह्मण 90% बीजेपी को गया है जी, आज ब्राह्मण एकदम उल्टा है, ऐसे जो जाट कितना बीजेपी को गया, खूब गया बीजेपी, तो आज जाटों की पोजीशन यही है।
जनता की सुना नहीं है। और गुर्जर अब जितने बैकवर्ड बैठे ये फौजी है, ये बाढ़ देख रहे कब बटन दबाने का मौका लगे, तो ये हालात बताएंगे मेरी बात कितनी सच रहेगी। कहने का मुख्यमंत्री की नजर में कुछ और है। हाँ। और यहाँ कुछ और है। अंग्रेजी में कहावत है, हाँ, देयर इज मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, यानी कि कप और चाय के प्याले में, होठों में, हाँ, अभी दूरी है। हाँ। अभी दिल्ली दूर है करण सिंह दलाल के लिए, ये कहा जा रहा है। वो जो कहा जा रहा है ठीक है, पर अब दिल्ली के नजदीक पहुंचने जा रहे हैं हम, दूर नहीं है। करण सिंह दलाल बिल्कुल दिल्ली के नजदीक पहुंचने जा रहा है, वो जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। किसी का ठेका नहीं है लोकतंत्र में, ये प्रजातंत्र में किसी ने किसी की हिस्सेदारी नहीं है। अब काफ़ी दिन है, अब करण दलाल देखा दिल्ली कितने नज़दीक है, अब देख रहे पता चलेगी तुम्हारे सामने। फरीदाबाद की बात करी है मैंने, फरीदाबाद में पोजिशन ये है करण दलाल बहुत अच्छी वोटों से जीत हासिल करेगा और एक रिकॉर्ड कायम करेगा फरीदाबाद, फरीदाबाद ज़िले का जो 7 लाख और 6 लाख से जीतने वाला कैंडिडेट का पास पलट जाएगा। मैं नहीं, मतदाता पलटेगा, मतदाता मन बना के बैठा है। मैं अभी आज भी गया था एक आध गाँव में, तेरू गए दादा कब लग रोमो को, मैं तुम तो इन एल ओ के करे करो बात, क्योंकि बेशक करें हम वोट कर देंगे लोकसभा में। तो इस तरह के लोग जो इसके खिलाफ पार्टी के भी है और दलों में जो बैठे लोग वो भी लोकसभा में करण को पसंद करते हैं। करण दलाल की बात तो अलग बात है, किशन पाल गुर्जर तो कोई मौका छोड़ ही नहीं रहे, रोजाना ही किसी ना किसी विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, कई कई विधानसभा क्षेत्र में रोज जा रहे हैं। करण दलाल भी कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ रहा पूरे जिले, दोनों जिलों में जहाँ कहीं गमी में खुशी में नहीं जा रहा, वो भी जा रहा है और वहाँ लोग देखते हैं ये करण दलाल है जो फरीदाबाद से चुनाव लड़ेगा। ऐसे जिनको पता नहीं वो भी नजदीक से देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।